सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस, जैसा कि इस वीडियो की थंबनेल पे देख के आए होंगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन एलपीयू। अगर आप एलपीयू से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपका टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे, बिना स्किप करें तो आपको पूरा खर्चा ए टू जेड पता लग जाएगा। हिडन चार्जेस, हॉस्टल की फीस कितनी होगी, एकेडमिक फीस की होगी, टोटल आपका कितना खर्चा आ जाएगा अगर आप नॉर्मल बीटेक करना चाहते हैं या ऑनर्स से करना चाहते हैं। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार सबसे पहले तो, क्योंकि ऐसी ही एलपीयू के ऊपर बहुत सारी अलग अलग वीडियोस बनती जाएंगी, जिसमें एलपीयू के ऊपर सीरीज़ बन रही है पूरी एक, जिसमें सबसे पहले तो मैंने एमबीए कवर किया, एमबीए के ऊपर 5 से 6 वीडियोज़ बनी है। अब मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक की सीरीज शुरू करी है, इसके ऊपर मैं कम से कम 5 से 6 वीडियोज़ बनाऊंगा, जिसमें एक एक पॉइंट जैसे कि क्या बोलते हैं प्लेसमेंट हो गया, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा ए टू जेड। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, फिर हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। कि अभी आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, आपको दिख रहा है कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन एलपीयू की बात करेंगे। तो फटाफट मैं आपको वैसे तो एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूं, देख पा रहे हो जैसे कि स्क्रीन पे मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके रखा है कि एकेडमिक फीस कितनी है, हॉस्टल एंड मेस का खर्चा कितना आएगा, टोटल आपका कितना खर्चा आ जाएगा, तो ये सब मैंने बता दिया। लेकिन थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ ताकि अगर आप किसी और ब्रांच से हैं, जैसे ये तो मैंने किसका कैलकुलेट किया है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मतलब बीटेक सीएससी और बीटेक सीएससी ऑनर्स, तो इस दो ब्रांचेस का मैंने जो कैलकुलेट किया है कि कितना आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या कोई और कोर्स करना चाहते हैं, बीसीए, बीबीए, तो उसका आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद ही। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नॉर्मल एलपीयू से कितना खर्चा आ जाएगा और ऑनर्स का कितना खर्चा आ जाएगा। तो फटाफट हम किस पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाते ही आपको क्या सर्च करना है, एलपीयू सर्च करना है। एलपीयू सर्च करते ही आपको एलपीयू की वेबसाइट खोल लेनी है। पहले मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कि कैसे आपको अपने कोर्स की फ़ीस देखनी है कितनी है, उसके बाद आपको एकेडमिक फ़ीस को रिप्लेस करके आप अपना सारा खर्चा कैलकुलेट करते हैं। मैं एडमिशन लूँगा किस में, रेगुलर प्रोग्राम्स में लूँगा। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप 12th के बाद एडमिशन ले रहे हैं, आप देख सकते हैं खुद ही आप अपने कोर्स पे कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा भी आ रहा है ना रेगुलर 12th। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। अगर आप बीजे जैसे कि यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, तो ये बीबीए की आ गई। तो मैं आपको चलो यहाँ पे बीबीए की फ़ीस दिखा देता हूँ, कितने बीबीए पे क्लिक करते ये आ गई बीबीए की फ़ीस। बीबीए की फ़ीस कितनी है, 80,000 पर सेमेस्टर फ़ीस है। ऐसे अगर हम थोड़ा बैक जाएं वापस, चलो एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ कैसे जाना है आपको। एलपीयू लिखना है गूगल के ऊपर, एलपीयू सर्च करते ही एलपीयू की वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलती है, एडमिशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, हम यहाँ पे आफ्टर 12th रेगुलर प्रोग्राम्स में जाएंगे। रेगुलर प्रोग्राम्स में आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ले रहे हैं, जैसे एमसीए करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन ले सकते हैं रेगुलर की जगह। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इंजीनियरिंग में। अगर अब यहाँ पे आप कोई भी इंजीनियरिंग देख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, रोबोटिक्स, बायोमेडिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सिविल इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियरिंग आपको करनी है उस इंजीनियरिंग को चूज़ करके उसकी फ़ीस देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कहाँ किसकी दिखा रहा हूँ, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। एलपीयू में जो बीटेक है वो 10 प्रकार के ऑफर की जाती है, जिसमें से एक तो है नॉर्मल बीटेक जो हर यूनिवर्सिटी में होती है, उसके बाद आती है बीटेक ऑनर्स, 3 प्रकार की बीटेक ऑनर्स है, डिफरेंट डिफरेंट गीक फॉर गीक्स के साथ, कंपेटिया के साथ, उसके बाद ये फिर वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, उसके बाद इंडस्ट्री कोलैबोरेशन प्रोग्राम है। तो टोटल देख सकते हैं 10 प्रकार की बीटेक है जो ऑफर की जाती है। तो यहाँ पे आपको जो भी कोर्स चूज़ करना है, इसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगी जिसमें मैं बताऊँगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन का क्या फ़ायदा है, क्या प्लेसमेंट है उसमें, क्या फ़ायदा है उसमें, फ़ीस ज़्यादा क्यों है, तो वो सब चीज़ें अलग वीडियो का टॉपिक है। यहाँ पे हम सिर्फ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ स्टडिंग। तो ऐसे ही करके बीटेक पे क्लिक करेंगे आप, नॉर्मल सीएससी देख ली मैंने, नॉर्मल सीएससी की फ़ीस पे जाएंगे, तो फीस पे जाते ही आपको पता लग जाएगा कितनी फीस है, 1,20,000 रुपये फीस है। तो यही मैंने आपको पीपीटी में भी दिखाया है। जैसे ही आप पीपीटी में जाएंगे, आप पीपीटी में आपको देखने को क्या मिल गया, एकेडमिक फ़ीस कितनी है, जो नॉर्मल सीएससी की फ़ीस है वो पर सेम कितनी है, 1,20,000 फॉर नॉर्मल सीएससी। सीएससी ऑनर्स की कितनी फ़ीस है, 1,90,000। तो यह मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल सीएससी की कितनी फ़ीस है और सीएससी ऑनर्स की कितनी फ़ीस है। ये एक सेमेस्टर की फ़ीस है, टोटल सेमेस्टर कितने होंगे, 4 साल का कोर्स है तो 8 सेमेस्टर होंगे, 4 साल का कोर्स है तो 8 सेमेस्टर होंगे, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो टोटल एकेडमिक फ़ीस अगर नॉर्मल सीएससी कर रहे हैं तो आपकी एकेडमिक फ़ीस कितनी लग जाएगी, सिर्फ एकेडमिक फ़ीस वो लग जाएगी 9,60,000, जो फिक्स है आपकी लगेगी। उसके बाद अगर आप सीएससी ऑनर्स कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस, सिर्फ फ़ीस कितनी लग जाएगी,
15,20,000 CSE ऑनर्स कर रहे हैं अगर तो 15,20,000 इसको बचाने के लिए भी एक सोल्यूशन है LPU-NEST का एग्जाम। अब अगर आप सोचो अगर आप CSE ऑनर्स करने जा रहे हो 1,500,000 रुपये आपके लग रहे हैं बिना स्कॉलरशिप के अगर आप कर रहे हो 1,90,000 रुपये फीस है, तो अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं LPU में तो इतनी महंगी फीस तो नहीं दे सकते, तो इस फीस को कम करने का क्या तरीका है? LPU-NEST का एग्ज़ाम। अगर आप LPU-NEST का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पढ़ के देते हैं तो LPU-NEST के एग्ज़ाम से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी 50% तक, जो कि ऑलरेडी लास्ट डेट निकल चुकी है। 25 मई तक थी जो 50% थी, अब स्कॉलरशिप्स वगैरह घटा दी गई हैं। अब जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको LPU-NEST के थ्रू मिलेगी वो 38% के आसपास है, वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा भी देता हूं एक बार कि कैसे आपको देखना है। तो वो स्कॉलरशिप लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LPU-NEST का एग्जाम देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। वैसे तो LPU-NEST की फीस है वो कितनी है, 1,000 फॉर बॉयज़ एंड 500 फॉर गर्ल्स है, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अवेलेबल है अगर आप उसके थ्रू LPU-NEST के लिए रजिस्टर करते हैं, LPU-NEST देना कंपलसरी आपको देना तो पड़ेगा ही, तो अगर उस लिंक के थ्रू आप रजिस्टर करते हैं तो आपको 50% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। LPU फीस की 50% आपको डिस्काउंट हो जाएगा, जैसे कि जो 500 रह जाएगा बॉयज़ के लिए एंड 300 फीस रह जाएगी गर्ल्स के लिए। तो उस लिंक के थ्रू आप रजिस्टर करके अपनी इस फीस को आप कम कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि आपको कोई भी जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिले, लेकिन फिर भी आपको एक बार मैं स्कॉलरशिप दिखा देता हूँ आपको कहाँ से देखनी है। यहाँ से आप देख ही सकते हैं मैक्सिमम स्कॉलरशिप कितनी रहेगी, 38% रहेगी है अगर आप LPU-NEST में कैटेगरी 1 में आते हैं, और मिनिमम आपको 18% मिलेगी अगर आप कैटेगरी 3 में आते हैं LPU-NEST का एग्ज़ाम देके। तो अब यहाँ पे अगर आप अपनी फीस यहाँ से, चलो मैंने आपको दिखा दिया, अगर आप देखना चाहें कि आपकी ऑनर्स में फ़ीस कितनी बननी है तो हम ऑनर्स के प्रोग्राम पे जाएंगे, ऑनर्स की फ़ीस यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। फीस वाले सेक्शन में जाओगे, फीस वाले सेक्शन में जाती है आपको देखो 1,90,000 फीस है। तो लेकिन अगर आप LPU-NEST की कैटेगरी 1 में अच्छे से देते हैं बहुत, तो 38% की आपको क्या है वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और आपकी फ़ीस कितनी रह जाएगी 1,17,800 रुपये देख सकते हैं, 1,17,800 आपकी फ़ीस रह जाएगी। तो अगर आप 38% स्कॉलरशिप स्कोर करते हैं, मिनिमम आपकी अगर आप 18% स्कॉलरशिप लेते हैं तो आपकी फ़ीस कितनी रह जाएगी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऐसे करके। तो आपको LPU-NEST का एग्ज़ाम देना है, रजिस्टर करना है और बहुत अच्छे से उसमें स्कोर करके अपनी फ़ीस कम करनी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया उसका। तो यहाँ पे आपकी अब आपकी अगली चीज़ आती है जो एग्जामिनेशन फ़ीस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस, ये फ़ीस इसमें इंक्लूड करके नहीं बताई तो बहुत बच्चे मिस कर देते हैं। लेकिन यहाँ नीचे देख सकते हो 4,000 आपको एग्जामिनेशन फ़ीस पर सेमेस्टर देनी है, तो 8 सेमेस्टर के लिए कितनी होगी 32,000 रुपीज़ आपकी 8 सेमेस्टर के लिए फीस होगी। तो यहाँ पे अभी हम एकेडमिक फीस और एग्जामिनेशन फीस को अगर प्लस कर लें तो 9,92,000 रुपीज़ आपका खर्चा बन गया जो आपका लगेगा एकेडमिक फीस में। उसके बाद आते हैं हॉस्टल और मेस फीस में। हॉस्टल की फीस आपको कैसे चेक करनी है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हॉस्टल यहाँ पे सिंपल गूगल पे सर्च करना है हॉस्टल फीस फॉर LPU। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे वेबसाइट खुल जाएगी, वेबसाइट के ऊपर आते ही यहाँ पे आप हॉस्टल की फैसिलिटी पे आते हैं। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ के बारे में ये सब कुछ बहुत अलग से डिटेल वीडियो बनेगी। यहाँ पे मैं एक जनरल एग्जांपल लूँगा, वो क्या लूँगा कि यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड रूम लेना है 4 सीटर, उसकी फ़ीस कितनी है 75,000 नॉन एसी की फ़ीस है। और उसके बाद ये मैंने आपको बता दी जो इसके ऊपर वीडियो है ना, आप क्या बोलते हैं मेस प्लान के ऊपर, और इस सब के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही थी उसको ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो मेस की फ़ीस यहाँ पे 40,000, तो ये सारा मैंने यहाँ से देख लिया कैसे। हॉस्टल के ऊपर अलग से वीडियो बनेगी इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि वो वीडियो मिस ना करो। तो हॉस्टल रूम की जो फीस है वो 75,000 है, हॉस्टल मेस की जो फीस है वो 40,000 रुपीज़ है। हॉस्टल अगर आपको जिम लेना है तो आपको 5,000 पे करने पड़ेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको अपने 5,000 बचाने तो आप जिम की फीस नहीं लेंगे। तो स्पोर्ट्स अगर आपको स्पोर्ट्स खेलते हैं बैडमिंटन या कुछ भी, तो 5,000 आपको स्पोर्ट्स की फ़ी के लिए पे करने पड़ेंगे। लॉन्ड्री के लिए अगर आप लॉन्ड्री सर्विस लेते हैं कि आपको लॉन्ड्री बाहर से करवानी खुद नहीं करनी, तो 5,000 रुपये आपको उसके पे करने पड़े। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप ये तीनों जो 15,000 रुपये आप अपने नहीं वेस्ट करेंगे और आप बिना उसके इन तीनों सर्विसेज के जिएंगे, मतलब कि आप सिर्फ हॉस्टल का रूम का रेंट और मेस का पे करेंगे, तो आपका कितना लग जाता है 1,15,000 रुपीज़ आपके लग जाते हैं हॉस्टल फीस और मेस के बिना किसी स्कॉलरशिप के। इसके भी बताऊँगा कि कैसे आपको अपने पैसे बचा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक अर्नी डिसीजन बेनिफिट है, अगर आप 30 जून 2022 से पहले, इसलिए कह रहा हूँ LPU-NEST जल्दी से जल्दी दो, LPU-NEST देके अगर आप अपने एडमिशन लेके 30 जून से पहले पहले अपना हॉस्टल बुक करते हैं तो आपको रूम के ऊपर 10,000 का डिस्काउंट और मेस के ऊपर 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे कि आपको 15,000 रुपये का फायदा हो जाएगा। तो मतलब कि आप अपनी फीस में से 15,000 रुपये तो कम कर सकते हैं, जो ये 15,000 रुपये ना, तो आपका टोटल खर्चा कितना रह जाएगा 1,00,000 रुपीज़, मतलब कि आपको हॉस्टल फीस और मेस का कितना पैसे देने पड़ेंगे सिर्फ 1,00,000 रुपीज़। और अगर आप विद जिम और लॉन्ड्री लेते हैं तो 1,35,000 लग जाएंगे बिना किसी स्कॉलरशिप के। तो उसके बाद टोटल कितना होगा, तो अभी हम यहाँ पे टोटल करते हैं। तो एकेडमिक फीस, एग्ज़ाम फीस, हॉस्टल प्लस फूड,
ये सब मिला के आपके 11 लाख नॉर्मल सीएससी के लिए 11,07,000 रुपये 11,07,000 रुपीज़ हैं जो फिक्स आपके लगने ही लगने हैं, ठीक है। जो 11,07,000 रुपीज़ हैं वो फिक्स हैं जो आपके लगने ही लगने हैं। उसके बाद अगर आप हर महीने सपोज करिए 3,000 रुपीज़ खर्चते हैं, 3,000 रुपीज़ यार बहुत नॉर्मल है जो खर्च हो जाते हैं कॉलेज में, क्यों? क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ खाएंगे पिएंगे, कॉलेज वाले आपको असाइनमेंट्स देंगे, उसके लिए आप प्रिंट आउट्स निकालेंगे, आप अपनी क्या बोलते हैं घूमने फिरने जाएंगे, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, तो ये सब मिला के अगर आप सपोज करिए आप 3,000 रुपीज़ पर मंथ खर्चते हैं तो साल में 12 महीने होते हैं, 12 × 3 36,000 रुपये आपके एक साल के लग जाएंगे। तो 4 साल के आपके टोटल मिला के कितना खर्चा आ जाएगा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके 1,44,000 रुपये लग जाएंगे आपके 4 साल में। अगर आप एक महीने के 3,000 खर्चते हैं तो आपके 4 साल के टोटल कितने हो जाएंगे 1,44,000 रुपये। तो ऊपर 11,07,000 आपको बताया, ये 1,44,000 को अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल नॉर्मल सीएससी के लिए हमारा खर्चा कितना आ जाएगा 4 साल में 12,51,000 12,51,000 रुपीज़ हैं जो आपके फिक्स्ड हैं, जो लगेंगे नॉर्मल सीएससी अगर आप कर रहे हैं एलपीयू से बिना किसी स्कॉलरशिप के। अगर आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती है अच्छी वाली, आप अपनी हॉस्टल फीस के ऊपर भी स्कॉलरशिप लेते हैं, उसके ऊपर भी स्कॉलरशिप लेते हैं एकेडमिक फीस के ऊपर, तो ये 12 लाख का जो खर्चा है आपका कम होके हाफ तक भी जा सकता है, मतलब 7-8 लाख में भी हो सकता है अगर आपको अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलती है। लेकिन ये खर्चा मैंने आपको बताया बिना किसी स्कॉलरशिप के। वहीं अगर आप सीएससी ऑनर्स करते हैं तो सीएससी ऑनर्स करने में आपका कितना खर्चा आएगा 18,11,000 रुपीज़ बिना किसी स्कॉलरशिप के। अगर आप एलपीयू नेट देते हैं उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो स्कॉलरशिप के साथ ये 18 लाख आपका 11-12 लाख तक कम हो सकता है, क्योंकि आपको जो स्कॉलरशिप अगर 38% स्कॉलरशिप मिलती है तो आप सोचिए 18 लाख का 38% आपको कम हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका 11-12 लाख में नॉर्मल ये सीएससी ऑनर्स हो सकती है एलपीयू से। तो ये थी सारी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग जो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको सारे हिडन चार्जेस वगैरह थोड़े एक्सपेंस सब कुछ मिला के बता चुका है कि आपके टोटल इतने पैसे लग जाएंगे सीएससी करने में या ऑनर्स करने में। तो इसी प्रकार से आप अपना कोर्स अगर आप बीसीएमसी जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसकी फीस कॉस्ट ऑफ स्टडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं अपने एकेडमिक फीस चेक करके कितनी है, उस फीस को यहाँ पर रिप्लेस करके बाकी सारे खर्चे आपके भी सेम होंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना खर्चा आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।